गुजराती का हिंदी फिल्म नमो सौने गमो। और बहुत शुक्रिया दीदी जी आपका चैनल स्टूडियो में आने के लिए। चुनाव का माहौल है, आपकी फिल्म भी इसका साथ दे रही है, क्या वो 2014 में चुनावी जंग में सफल हो पाएगी? चुनावी जंग के लिए हमारा प्रयास नहीं है। दिवेन भाई, ये मूवी नरेंद्र भाई को आपने दिखाई है या डेमो दिखाया? इस टाइम पे तो शायद ही टाइम मिल सकता है। नरेंद्र भाई को जब हम फिल्म का पोस्टर गिफ्ट करने गए, प्रतिमा ऐसे थे कि शायद एक अपने परिवार में कोई बुजुर्ग अपने बच्चे को जैसे बधाइयां देता है वैसे प्रतिभाव दिए, और भी आगे बढ़ो ऐसी शुभकामनाएं दी। नरेंद्र भाई ने शुभकामनाओं जे हमने आपी एना करता लाखों गणी शुभकामनाओं समस्त देशवासियों ने। वेलकम टू स्पीक बिंदास दिव्यन भाई। थैंक यू। और आप नरेंद्र मोदी साहब से मिले भी है इस मूवी के संदर्भ में, तो मीटिंग कैसी रही? आज एज ए पोस्टर मैंने गिफ्ट किया तो एक पारिवारिक जो भावनाएं होती है और जैसे हम आगे बढ़े वैसी शुभकामनाएं दी। नमो एटले नरेंद्र मोदी पण थाय छे अने अत्यारे इलेक्शन पण चाली रह्युं छे, तो आ इलेक्शन ने कोई रिलेटेड छे आ मूवी? कोई रिलेटेड नथी अने नमो खाली नथी, नमो सौने गमो। सबसे पहले तो वेलकम सर। सर, आपकी फिल्म नमो सौने गमो सोशल मीडिया में काफी चर्चा में रही, और नमो जो कैरेक्टर है वो नरेंद्र मोदी को लेके चर्चा में बहुत रहा। जैसे नरेंद्र भाई को लेके कोई नाम भी जैसे आप बात कर रहे हैं, ऐसे हर मीडिया वाले पहले ही क्वेश्चन करते हैं कि नमो और नरेंद्र मोदी कोई रिलेटेड नहीं है। वैसे तो आप आंसर देने में काफी माहिर हो, एक आखिरी सवाल का आंसर दे दीजिए कि क्या नरेंद्र मोदी और एनडीए देश को सही करने में क्या लग रहा है आपको? क्या मत है कि दुनिया चाहे जो भी बोले, ये गुजरात के नाते और एक आत्मगौरव की भी बात होती है कि भाई हमारे मुख्यमंत्री अब प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं, तो उसमें पूरे देश की आस्थाएं जुड़ी हुई है। दिव्यन भाई, ये मूवी आपने जब लॉन्च की 18 अप्रैल को, मेरे ख्याल से इतना आसान नहीं रहा होगा। भगवान की इच्छा सत्य की जीत वैसे भी आपको सब जगह दिख रही है, तो हमारे साथ भी वो आशीर्वाद जुड़ा हुआ था। आप अपनी ये सोच जो आउट ऑफ द बॉक्स है, ये आपको आइडिया कैसे आया, आपका दिमाग में कैसे ये चीज आई? 10-12 दिनों पहले ही हमारे नरेंद्र भाई ने एक चैनल में भी इंटरव्यू में भी किया था कि गुजरात का विकास ऐसा हुआ है कि लोग कच्छ में रण देखने के लिए डॉलर पे करते हैं। ये आज प्रोवाइड भी कर देता हूँ डेट कि आप 15 अगस्त से पूरी दुनिया को दिखाओ। एक तरह से लगता है ये सफल प्लानिंग है, नाम की जो एक गरिमा होती है उसने आपने उसको संभाल के रखा हुआ। मकसद साफ था तो नाम की गरिमा भी वैसे भी अपने आप हो गई। आज सुबह एक ट्वीट और एक फेसबुक का आपने जवाब दिया हुआ है, उसमें एक सेंटेंस लिखा हुआ है, अब की बार और अब बार बार एक ही सरकार। नमो तो सौ निगमो फिल्म ने लईने स्थानिक राजकारण गरमायू छे। आ फिल्म मां मुख्यप्रधान नरेंद्र मोदी ना हमशकले काम कर्यु छे, जो कि आ हमशकल लालजीभाई मुळे कांग्रेस ना 40 वर्षथी सक्रिय कार्य कर रह्या छे। चौकसीना पर વિવાદોની વચ્ચે ગુજરાતી ફિલ્મ નમો સૌને ગમો રિલીઝ થઈ, જેમાં નરેન્દ્ર મોદીના ચહેરાને મળતો આવતો ચહેરો ટાઇટલમાં પ્રોજેક્ટ કર્યો છે। ચૂંટણી ટાણે જ મોદી જેવા પાત્ર ધરાવતી ફિલ્મ રિલીઝ થતા કોંગ્રેસમાં સળવળાટ થયો છે। ફિલ્મને અટકાવવા કોંગ્રેસે ચૂંટણી પંચ સમક્ષ માંગ કરી। ભારતીય જનતા પાર્ટી સરકારી મશીનરી દ્વારા તૈયાર થયેલી વિવિધ વસ્તુઓ અને પ્રત્યક્ષ અથવા પરોક્ષ રીતે જે પ્રચાર કરી રહ્યો છે અને એમાં મોડેલ કોડ ઓફ કન્ડક્ટનું સરળ ઉલ્લંઘન થાય છે। જે રીતે એમનો પ્રચાર થાય છે, જો એમને ખરેખર આ પિક્ચર એમના સાહેબ માટે જ પબ્લિસિટી માટે જ હોય તો એમને તેમનો ખર્ચ એમના ચૂંટણી ખર્ચમાં ગણાવવો જોઈએ, અને કોંગ્રેસ પક્ષે એમની જે અંદર વિવિધ વિગતો છે એની સ્ક્રીનિંગ પણ પહેલાંની માગણી કરી હતી। મારો રિવ્યુ એવું છે કે સાચી વસ્તુ બતાવી કે આપણે જે ગુજરાતમાં ખરેખર જે નરેન્દ્ર મોદીની સામે જે મુસલમાન વિરોધી છે એ સાચું શું સત્ય હકીકત છે બતાવી, એ સારી વાત। તો આને અને પોલિટિક્સને જોઈન કરવાનો કોઈ મતલબ જ નથી, કે નો ડાઉટ કે એમાં જે સીએમના ગેટઅપમાં નરેન્દ્ર મોદી સાહેબનું જે એ આપ્યું છે એનાથી શું લેવા દેવા છે? પબ્લિકને એન્ટરટેનમેન્ટ જોઈએ છે જોવા માટે, અને બેઝ મેઇન વસ્તુ શું છે કે મૂવીએ જે મેસેજ આપ્યો છે, હું તો એમ કહીશ કે આ સુધી કે કોઈ પણ હિન્દી મૂવીઝ કે હોલિવૂડ મૂવીઝ માં આટલું ઇન્ટિગ્રિટીની વાત કરી જ નથી। હવે જોવાનું એ રહે છે કે કોંગ્રેસ દ્વારા ચૂંટણી પંચમાં કરાયેલી ફરિયાદના પડઘા કેવા પડે છે।
આખી વાર મોદી સરકાર. નમો સૌને.